और जनपद रुद्रप्रयाग में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑनलाइन आवेदन किए गए बेरोजगार युवाओं और अन्य व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगार युवाओं, व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को रोजगार के मौके उपलब्ध हो। आज जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में योजना के तहत गैर वाहन और वाहन मद में कुल 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। की योजना है उसमें वाहन और गैर वाहन मद में 13 आवेदन पत्र कुल आए थे, जिसमें से 4 आवेदन कर्ता यहां पर उपस्थित नहीं हो पाए थे और शेष जो 9 लाभार्थी थे। ये दीनदयाल स्वरोजगार योजना जो है सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसमें तमाम चीज़ों के लिए जो है सरकार सब्सिडी पे लोन उपलब्ध करवा रही है। मैंने होम स्टे के लिए अप्लाई किया है। इसके पीछे मेरे 2 मकसद हैं। आज मैं देखता हूँ कि लोग अमूमन गाँव में भी बहुत बड़े बड़े आवासीय भवन बना लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने रहने के इतर और किसी काम नहीं आते हैं।